यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, जय जय बोलो 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 यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम, जय जय बोलो 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 यीशु नाम, जय प्रभु यीशु, जय जय नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, हृदय खोल कर प्रेम से बोलो ईसा मसीह की जय बोलो, हृदय खोल कर प्रेम से बोलो ईसा मसीह की जय बोलो, एक साथ जय जय बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम अच्छा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम अच्छा नाम, हृदय खोल कर प्रेम से बोलो ईसा मसीह की जय बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो, बोलो जय जय बोलो यीशु नाम, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, 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 यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम, हृदय खोल कर प्रेम से बोलो ईसा मसीह की जय बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो, बोलो जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु, बोलो जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय प्रभु यीशु, जय जय नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो, एक साथ जय जय बोलो यीशु नाम, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना हो आराधना हो, हालेलुया परमेश्वर की, हालेलुया हालेलुया आराधना
हालेलुया 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 परम प्रसाद में यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 परम प्रसाद में यीशु आराधना हालेलुया 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 संग संग चलने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 संग संग रहने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 दुख को मिटाने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 धरती बनाने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 आकाश बनाने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 जान भी देने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 धरती पर उतरने वाले यीशु आराधना हालेलुया 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 ईश्वर के बेटे यीशु आराधना हालेलुया 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 अब्बा तेरी महिमा हो अब्बा आराधना हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तेरी आराधना हालेलुया 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 यीशु तू अच्छा है तेरी आराधना हालेलुया 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 बेधारण तूने किया तेरी आराधना हालेलुया 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 अपनों के बीच तू उतर के आया हालेलुया 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 तेरी आराधना तेरी ही महिमा हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी महिमा तेरी आराधना हालेलुया 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 रोगी चंगे करता तू तेरी आराधना हालेलुया 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 तूने मेरे लिए दुख भोगा तेरी आराधना हालेलुया 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 कोड़े खाने वाले यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 मार खाने वाले यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 अपने आप को देने वाले तेरी आराधना हालेलुया 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 तेरे घावों द्वारा चंगे हम तेरी आराधना हालेलुया 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 तूने कितना दुख उठाया तेरी आराधना हालेलुया 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 सूली तूने उठाई तेरी आराधना हालेलुया 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 गिरे गिरे जाता था तू तेरी आराधना हालेलुया 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 तेरे हाथों में कीले ठोक दी आराधना हालेलुया 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 तेरे पांव में कीले यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 खून बहाने वाले यीशु तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया
तेरी परम पावन उपस्थिति के लिए हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, पवित्र संस्कार के रूप में, इस पवित्र रोटी के रूप में तो हमारे बीच में हाजिर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हमारे घर पर, परिवार पर, हमारे सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्र बंधु और माता पिता पर अधिकार लीजिए। लोक धर्मियों पर, विश्वासियों पर और जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, इन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। प्रभु यीशु, आपके वादे के मुताबिक हम मांगते हैं, खटखटाते हैं और ढूंढते हैं। आज की ये पवित्र संध्या वंदना आपको पसंद आए, हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द आपको पसंद आए, और हमारे शरीर, आत्मा, हृदय, परिवारों से तेरी महिमा होती जाए। दया सागर है, दया का स्रोत है, दया का झरना है, प्रेम करने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला ईश्वर है, जीवन देने वाला ईश्वर है। तेरे इन बेटे और बेटियों पर दया कीजिए, ये तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। आज की रात्रि इनके साथ रहना, तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु की जीवित उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु की दया और उसकी करुणा इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रही है। नित्य प्रतिदिन संध्या समय 7 से लेकर 9 बजे तक हम प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। वो हमारे हृदयों की थाह लेता है, वचन के द्वारा हमें सांत्वना देता है, हमें ढारस देता है, हमें विश्वास में बढ़ाता है, हमें प्रेम करना, क्षमा करना सिखाता है। उसके वचन आत्मा और जीवन है। पेत्रुस ने कहा, प्रभु हम आपको छोड़ कर कहाँ जाएं, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जो उन्हें सुनता है, ध्यान पूर्वक उन पर मनन चिंतन करता है, कान लगाकर सुनता है, ये वचन उनकी आत्माओं को नवजीवन प्रदान करते हैं। उनके जीवन में ये नई स्फूर्ति भरता है। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मार्ग का उजाला है। ये वचन आपके मार्ग के दीपक हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है, मैं अंत के दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, और तुम और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना पवित्र आत्मा उतारूंगा। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हाजिर हैं। आपका आत्मा, आपका आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है, हमें सिखाता है, हमें दर्शन देता है, हमें दर्शन देता है, आपके प्रेम में, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए हमें
हमें सहायता करता है, वह हमें सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार में, मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अपने कामकाज में, अपने कामकाज में आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, कुछ क्षणों के लिए सारे कामकाज चिंताओं को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़ जाना। पवित्र आत्मा आप लोगों की सहायता करे। प्रभु की महिमा आपके घर में छाई हुई है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। इस वक्त अपना मन, अपनी आत्मा और विश्वास की दृष्टि प्रभु पर लगाना। इस वेदी के इर्द गिर्द स्वर्ग दूतों की सेना को देखना। इस रोटी में प्रभु के चेहरे को देखने की कोशिश करना। वो आपको दर्शन देगा, वो आपसे बातें करेगा। उससे मशवरा करना, उससे सलाह लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा आपको प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले। प्रभु आपसे पूछते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम सफलता पाना चाहते हो? क्या तुम उन्नति पाना चाहते हो? क्या तुम मेरी महिमा देखना चाहते हो या मेरी हजूरी में रहना चाहते हो? मैं उपयुक्त समय आने पर इन तमाम बातों को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। बोलिए आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। यदि आप निराश हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाना और आनंदित हो जाना। यदि आप बीमार हैं तो प्रार्थना करना। यदि आप सुखी हैं तो धन्यवाद देना। यदि आपको प्रभु ने ब्लेस किया है, आशीषें दी हैं, तो स्तुति करते जाना। आराधना में छुटकारा है, चंगाई है, शिफा है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आराधना का समय हमारे लिए प्रभु के साथ रहने का समय है, उसकी संगति में रहने का समय है, उससे आशीषें पाने का समय है। आपकी आशीष आज इस आराधना में छिपी हुई है, इसलिए प्रभु के साथ रहकर उस आशीष को ग्रहण करना। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। बड़ी भक्ति के साथ, पिता परमेश्वर, मैं करता तेरी स्तुति।
परिवार के साथ मिलकर तू मेरा singing Hosanna, Hallelujah, my dear brothers and sisters. The heaven is opened and the anointing is flowing on each and every one of you. Swarg dwar khul gaya, Parmeshwar ka anugrah hai aur uska abhishek is waqt aapke gharon par utra hua hai. Swarg dooton ki sena, Hallelujah, Hosanna kehte hue, Swarg mein Prabhu ki stuti kar rahi hai. Hum bhi apni awaaz ko दूतों और संतों की आवाज के साथ मिलाकर उसकी स्तुति करना. आपका घर प्रभु की दया और करुणा से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे. एक एक व्यक्ति को इस वक्त पवित्र आत्मा अपना अनुग्रह प्रदान करे, आपको स्पर्श करे. आपके जीवन में जो कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, समस्याएं हैं, तंगियां हैं, प्रभु को समर्पित करते जाना और उसकी स्तुति करना. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. इस वक्त आपका घर प्रभु की महिमा से भरा हुआ है. प्यारे भाई, प्यारी बहन, हालेलुया कहना, स्तुति करना. हालेलुया, उपस्थिति को अनुभव करना. आपके रोम रोम में, आपके शरीर के रोम रोम में उसका नाम गूंजने लगे. प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपनी जुबान को और अपने होठों को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करना. वो आपको ब्लेस करेगा. उसका वादा है कि अगर थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें विश्राम दूंगा. मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा. प्रभु कहता है मुझसे सीख लो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ. मेरा जुआ हल्का है, मैं भला चरवाहा हूँ.
मैं अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, भला चरवाहा देखते ही देखते आपके और मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, हमारे सिर पर तेल का विलेपन करता है, हमारा प्याला लबालब भर देता है, हरी चराइयों में हमें लेकर जाता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जब हम उसकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका दूत हमारे घरों में डेरा डालता है। आज की ये संध्या वंदना, प्रेज एंड वर्शिप, आराधना और छुटकारे की प्रार्थना में प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके घरों को ब्लेस करे, पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगे, स्वर्गदूत आपके घरों पर पहरा दें, आपके समाज, आपके गांव, आपके शहर, आपकी कलीसिया में आपके ऊपर पहरा दें। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, स्वर्ग द्वार खुला है, स्वर्ग द्वार खुला है, और हम पर, और हम पर आपकी आशीष, आपकी आशीष छाई हुई है, छाई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रोत संख्या 135, स्त्रोत संख्या 135, स्तुति गान। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है, प्रभु ने याकूब को चुना है, प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है, आकाश में पृथ्वी पर, आकाश में पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में, समुद्रों और उनकी गहराइयों में, प्रभु जो चाहता है वही करता है, प्रभु जो चाहता है वही करता है, वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता, वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता, और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, वह अपने भंडारों से पवन निकालता है, वह अपने भंडारों से पवन निकालता है, उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं, उसने मिस्र में दोनों के पहलौठों को मारा, दोनों के पहलौठों को मारा, मिस्र उसने तुझमें, मिस्र उसने तुझमें, फिराउन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध, फिराउन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया, उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया, और शक्तिशाली राजा को मारा, और शक्तिशाली राजाओं को मारा, अमोरियों के राजा सिहोन को, अमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा ओग को, बाशान के राजा ओग को, और कनान के सब राजाओं को, और कनान के सब राजाओं को, उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को, उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को विरासत के रूप में दे दिया, विरासत के रूप में दे दिया, प्रभु तेरा नाम चिरस्थाई है, प्रभु तेरा नाम चिरस्थाई है, प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, प्रभु
प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता, प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है, और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, राष्ट्रों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती, उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती। आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती, आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती। उनके कान है किंतु वे नहीं सुनती, उनके कान है किंतु वे नहीं सुनते। और वे मांस भी सांस भी नहीं लेती, और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं, जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे, वे उनके सदृश बनेंगे। और वे सब भी, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं, जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के घराने प्रभु को धन्य कहो, इज़राइल के घराने प्रभु को धन्य कहो। हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो, हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो। लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो, लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो, तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सियोन का प्रभु, धन्य है सियोन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है, जो यरूशलेम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जनों प्रभु का वचन प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38 में हमें बताता है कि आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। बोले आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए, जिससे कि हम लोग, जिससे कि हम लोग प्रायश्चित कर सकें, प्रायश्चित कर सकें, आपको प्रेम कर सकें, आपको प्रेम कर सकें। आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा के सामर्थ्य से हम संपन्न हो जाएं, हम संपन्न हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। विरान पर आ
पवित्र आत्मा जुम्बिश यहां तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहां तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहां तू कर, पवित्र आत्मा जुम्बिश यहां तू कर। अपने हाथों को उठा के अंधेरों में गहराओं में जमीन जनों। प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों को याद दिलाओ, ये दिन बुरे हैं और असमानता के दिन हैं, अथाह गरीबी है और इस दुनिया में दरिद्रता भी है, अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बड़ी है कि उसे पाटना मुश्किल है। प्यारे भाइयों और बहनों, लोग अपने पसीने की कमाई खा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, संतान का सुख पाने वालों का वियोग है। कई लोग जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं। दूसरी तरफ प्यारे भाई प्यारी बहन, संतान नहीं चाहने वालों का तांता लगा हुआ है, और अनेक लोग जो शादी ब्याह नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में व्यभिचार का पाप उनके जीवन में जन्म लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, विरासत में प्राप्त दौलत के साथ साथ अय्याशी दुनिया में घर कर चुके हैं। लोग सियासत की रोटियां सेकते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, बेरोजगारी की खाई इतनी बड़ी है कि समझ नहीं आता कि इंसान जाए तो जाए कहां। युवक और युवतियां अनेक प्रकार के बुराइयों में फंसे हैं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इतना ही नहीं, यहां तक कि अपने जीवन में वो ऐसे बुराइयों में और धोखे में फंस जाते हैं जब जीवन बर्बाद हो जाता है। ये परिस्थिति है, आज के जिंदगी की हकीकत है। इसलिए संत पौलुस हमसे कहता है, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में,
कि हम सोए नहीं, हम ज्योति के पुत्रों की तरह आचरण करें। प्रियजनों, ज्योति इस संसार में आई लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ज्योति जो जीवन से अंधकार को दूर करती है, लोगों ने उसे बुझा दिया। बाइबल हमें बताती है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि आप सब ज्योति की संतान हैं, आप दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। कैसे सतर्क रहना है? जागते हुए सतर्क रहना है। तो संत पौलुस आगे लिखता है, जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं, हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर हम सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति सतर्क नहीं है तो वो बहुत जल्दी लुट जाएगा, उसका घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, उसके घर में बहुत जल्दी सेंध लग जाएगी, उसका पैसा, उसकी धन दौलत बहुत जल्दी लुट जाएगा यदि वह व्यक्ति जागता नहीं रहेगा, यदि वह व्यक्ति सतर्क नहीं रहेगा, यदि वह सोता रहेगा, मदिरा पीकर अय्याशी करता रहेगा तो उसका जीवन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। ये पवित्र बाइबल आज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु आपसे बताना चाहता है कि आप लोग सोए नहीं, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं, आप दिन के संतान हैं, इसलिए आप विश्वास के साथ मुक्ति और आशा का टोप पहनकर आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों आगे हमें याद दिलाता है अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में कि ये दिन बुरे हैं। अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे, आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। समय गंवा दिया तो बाद में वापस नहीं आता, क्योंकि घड़ी की सुई हमेशा आगे की ओर चलती है, पीछे की ओर नहीं चलती है, और समय बीतता जाता है। इसलिए जो समय निकल गया है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन अब आने वाले समय में और आज वर्तमान में आप जो कर सकते हैं वो आप करने का पूरा पूरा प्रयास करें। और वो ये है कि आप लोग ईसा मसीह में विश्वास करें, उसके वचनों पर भरोसा करें, उसके वचनों को अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में ग्रहण करें। आगे लिखा है कि आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसे पहचाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे जीवन पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप लोग कहता है ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसको पहचाने। अब प्रभु की इच्छा क्या है, बाइबल इसके विषय में बताती है, पवित्रता प्रभु की इच्छा है, विश्वास में दृढ़ बने रहना प्रभु की इच्छा है, एक दूसरे को सहन करना प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहता है कि आप लोग पवित्र बने, उन्नति करें, सफलता प्राप्त करें, उसकी हुजूरी में आए, आप वचन को पढ़ें, उसके वचन पर चलें, उसकी आज्ञा को माने, धर्मशास्त्र को आप जानें, आप पहचानें, आप ये जानें कि परमेश्वर कितना बड़ा है। वो हमारे घर के एक कोने में रहने के लिए नहीं, उसमें रखने के लिए नहीं, परंतु वो हमारे हृदय में निवास करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। इसलिए उसकी इच्छा ये है कि देखो तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, खोलोगे तो आऊँगा। लोग उसको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूँ, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में रहता है, वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हें दिशा निर्देश देगा, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे,
कोर्ट कचहरी में जब तुम्हारे ऊपर मुकदमे चलेंगे तो घबराना मत, तुम्हारे होठों पर शब्द रखे जाएंगे और तुम्हें अपने बचाव की तैयारी में कुछ नहीं करना परंतु विश्वास करना और वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ। मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, अंगूरी पीकर मतवाले मत बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर आप लोग भजन स्त्रोत और आध्यात्मिक गीत गाया करें। हर घर में संध्या समय, प्रातः की बेला में नित्य सवेरे उठ के परमेश्वर का स्तुति गान करना, धन्यवाद करना, जो सांसें चलती हैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, भजन गाना, आध्यात्मिक गीत गाना, ये परमेश्वर आपसे चाहता है। और आगे लिखा है, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में आप लोग गाते बजाते रहें। आप लोग पूरे हृदय से प्रभु के आदर में क्या करते रहें? गाते बजाते रहें। यह ईश्वर की इच्छा है आप लोगों के विषय में, विश्वासियों के विषय में, भक्तों के विषय में, कि भक्तों से प्रभु क्या चाहता है? भक्त से प्रभु यही चाहता है कि वह दिन रात प्रभु के भजन गाया करे, आध्यात्मिक गीत गाया करे, उसका नाम जपे, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे। आगे लिखा है, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मिलकर भजन स्त्रोत, मिलकर भजन स्त्रोत और आध्यात्मिक गीत गाएं, और आध्यात्मिक गीत पूरे हृदय से, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में, प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय, सब समय सब कुछ के लिए, सब कुछ के पिता परमेश्वर को, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज भी इंसान सोया रहता है, आध्यात्मिक रीति से वो सोया हुआ है, जागना नहीं चाहता है, धर्मशास्त्र को पढ़ना नहीं चाहता है। तो संत पौलुस लिखता है कि ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है, अर्थात परमेश्वर का वचन जिसे चमका देता है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। नींद से जागना, मृतकों में से जी उठना और मसीह आपको आलोकित कर देंगे, अर्थात वो आपको उन्नति प्रदान करेंगे, आपको वो चमकाएंगे। आप उसको उठाइए, उसके नाम को ऊंचा कीजिए, वो आपके नाम को ऊंचा करेगा। आप उसका आदर करें, वो आपका आदर करेगा। आप उसका घर बनाएं, वो आपका घर बनाए रखेगा। आप ईश्वर को खुश करें, वो आपको खुश रखेगा। आप धार्मिकता की खोज में लगे रहें और वो आपको चीजें देता रहेगा। आपकी धार्मिकता यदि आपके आगे आगे चलेगी तो ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आएगी। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो आज के इस परिवेश में जबकि दिन बुरे हैं, ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं उसका पता लगाना। और दूसरी बात, आज के इस पवित्र वचन में प्रभु आपसे कहना चाहता है कि यदि तुम इन बातों को करना चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के हथियारों को धारण करना होगा। और वो हथियार हैं जिसके विषय में संत पौलुस अफेसियों को लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे हमें बताता है कि आप लोग प्रभु के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस संसार के अंधकार से एवं उसके अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है।
बाइबल हमें बार बार बताती है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई भाई बहनों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई तो दुष्ट आत्माओं से है, जो झगड़ा करवाती हैं, जो हमसे बुरे काम करवाते हैं, जो हमें प्रलोभन में डालती हैं, और जो इन अश्लील बातों को और बुराई में गिरने के लिए प्रलोभन देती हैं। हमें उनसे लड़ना है, हमें उन दुष्ट आत्माओं से लड़ना है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप लोग ईश्वर के अस्त्र और शस्त्र धारण करो, कहता है, जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो जाएं और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा करके आप लोग विजय प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो अस्त्र शस्त्र प्रभु के सत्य का कमरबंद कसना, धार्मिकता का कवच धारण करना, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनना, विश्वास की ढाल अपने शरीर पर धारण करना और मुक्ति का टोप पहनना, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए समर्थ हो जाएं, ये प्रभु आज हमसे चाहता है। देखिए, प्रभु हमें अपने वचनों से स्पष्ट करता है कि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ईश्वर की इच्छा का पता लगाएं, कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। सोए नहीं, जागते रहें, मृतकों में से जी उठें और ईसा मसीह आपको आलोकित कर देंगे। कैसे? अपने वचन के द्वारा। वो आपको जीवित करेगा और आपको आलोकित करेगा, और ऐसा करने के लिए संत पौलुस कहता है हमें ईश्वर के हथियारों को धारण करना होगा। सत्य बोलना, साक्षी देना, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनना, विश्वास की ढाल लेना, मुक्ति का टोप पहनना और ईश्वर का वचन, आत्मा की तलवार लेकर आगे बढ़ना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का वचन आज हमें बताता है। तीसरी बात आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, सरकमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हो, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएं तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा, ऊंचा करेगा, क्योंकि वो अपने भक्त के घर में दूतों को आदेश देता है, वो डेरा डालते हैं और अपने भक्त की प्रभु रक्षा करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप अपनी परिस्थिति के सामने कभी घुटना ना टेकें, सरकमस्टेंसेस के सामने घुटना ना टेकें, बल्कि परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर उससे प्रार्थना करें और वो आपको उबारेगा। एक सुंदर उदाहरण, दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में, प्यारे भाइयों और बहनों, राजा नबूकदनेस्सर ने लिखा है वचन में कि 60 हाथ ऊंची, 6 हाथ चौड़ी एक क्या बनवाई? मूर्ति बनवाई, और 3 यहूदी बालक अबदनगो, शद्रक और मेशक, उनसे कहा कि उनके सामने सिर झुकाएं। लेकिन ये यहूदी बालक दानियल की संगति में रहकर विश्वास में इतने ज्यादा दृढ़ हो गए थे कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो इनकार करते हैं और कहते हैं, ओ राजा, हम सिर कटवा सकते लेकिन तेरी मूर्ति के सामने हम सिर नहीं झुका सकते। राजा को क्रोध आ गया, प्यारे भाइयों और बहनों, और उसने उन्हें उठवाकर आग की भट्टी में डलवा दिया। उस आग की भट्टी में जिसका ताप, प्यारे भाइयों और बहनों, 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया था, उसमें डाल दिया गया। उन्होंने अपनी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन विश्वास किया कि उनका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर उन्हें बचाएगा, और इसी विश्वास के साथ वो आग की भट्टी में चले गए।
और बाइबल बताती है कि जब राजा ने नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि भट्टी के अंदर तीन आदमी नहीं बल्कि चार आदमी टहल रहे हैं, और वो असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि इसमें चौथा व्यक्ति कौन है, क्योंकि जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। यह परमेश्वर का चमत्कार है, यह उसकी महिमा के काम है। इसलिए जो विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उनके साथ उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है, परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध करता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कि वो आपकी ओर से युद्ध करेगा, वो आपको संभालेगा, आपके आगे आगे चलेगा। इसलिए हमारे परिस्थितियों में, दुख में, कष्ट में, चिंता में, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में कमजोर नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन व्यक्ति दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, कौन व्यक्ति दूसरों का जीवन बदल सकता है? केवल वो जो धैर्य से परमेश्वर में खड़ा रह सकता है। केवल वो व्यक्ति दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। खड़े रहें परमेश्वर में चुपचाप और उसकी नजात के कमाल आप देखते रहें। पवित्र रहें और पवित्रता के साथ साथ ईश्वर के चमत्कार आप देखते रहें। पवित्रता के साथ, प्यारे भाइयों और बहनों, चमत्कार होते हैं। धार्मिकता और पवित्रता दोनों साथ साथ चलती हैं। इसलिए परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बार बार यही बताती है कि प्रभु आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको गिरना होगा। शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे हारना होगा, क्योंकि आपकी ओर से आपका प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। ये बाइबल हमें बताती है और ये इतिहास गवाह है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर ने ऐसा किया। परमेश्वर ने ऐसा किया अपने लोगों के लिए, उसने अपने दूतों को संरक्षण के लिए भेजा, वो उनके आगे आगे चला, वो बादल के रूप में, बादल के खंभे के रूप में, प्रकाश के रूप में उनके आगे पीछे चलता था और उन्हें संभालता था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ नहीं रहते तो हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है। जब हम कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट आता है, परेशानी आती है। एक विश्वासी को अपने जीवन में एक स्टैंड लेना चाहिए, जैसा कि शद्रक मेशक अब्दनगो ने परमेश्वर की ओर से वो स्टैंड लिया कि नहीं, हम मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, हम आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। दानियल नबी ने, प्यारे भाइयों और बहनों, राजा की बात का इनकार किया और उसे उठाकर शेरों के खड्ड में डाल दिया। प्रभु के इन दासों ने, इन भक्तों ने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, वो उसके लिए खड़े हो गए, वो उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए खड़े हो गए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना, जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, खड़े रहते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। जब हम उसके सामने घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन से सारे शैतानी बंधन दूर हो, आपके परिवार से हर प्रकार का षड्यंत्र, मैं यीशु के पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा कैंसल करता हूं।
आपके परिवारों और बच्चों के जीवन से यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा हर प्रकार के बंधनों को डिस्कनेक्ट करता हूं। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे, उसमें खड़े रहेंगे, उसके लिए आप प्यारे भाइयों और बहनों अपना जीवन समर्पित करेंगे तो वो आपका आदर करेगा। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। यह प्रभु का वादा है। एक विश्वासी के मन में, एक विश्वासी के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों इस तरीके का हौसला, इस तरीके का दृढ़ संकल्प और विश्वास यदि बना रहता है तो वो प्रभु में जीत हासिल करता है। 12 वर्ष का दाऊद जो फिलिस्ती से लड़ने के लिए जाता है, 5 चिकने पत्थरों को उठाकर अपनी झोली में डालता है और अपनी गोफन में रखकर उसे चलाता है, और गोलियत जो भीमकाय व्यक्ति था प्यारे भाइयों और बहनों केवल उसे एक पत्थर से वो मार गिराता है। जानते हैं 12 वर्ष का दाऊद जिसके ऊपर पवित्र आत्मा विराजमान था, जो पवित्र आत्मा में चलता था, वो परमेश्वर के बल से युद्ध लड़ने के लिए गया था, अपनी ताकत से नहीं। इसलिए वो गोलियत को ललकारता है, ओ गोलियत तू अपने बाहुबल से मुझसे लड़ने के लिए आया है, तू तलवार के बल पर मुझसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के बल से तुझे हराऊंगा। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के बल से मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, मैं अपने बल से लड़ने के लिए नहीं आया। और गोलियत उसका मजाक बनाता है, क्या मुझे कुत्ता समझ रखा है जो तुम एक डंडा लेकर और गोफन लेकर चले आए हो मुझसे लड़ने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, दानियल ने प्रभु के लिए स्टैंड लिया और प्रभु ने उसे जीत दिलाई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आशीष आ जाए, आशीष आ जाए, और मैं आपको, आपको अपना जीवन, अपना जीवन समर्पित कर सकूं, समर्पित कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, जब बाइबल में चलना आ जाता है, जब वचनों में हमें चलना आ जाता है, जब वचनों के अनुसार हमें जीना आ जाता है, तो हमारा जीवन आसान लगता है। कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, चिंता आती है, लेकिन विश्वास और हौसला इतना मजबूत रहता है कि वो कष्ट कष्ट नहीं लगते हैं, वो दुख दुख नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर में कायम रहता है कि ये कष्ट हमसे दूर जाएंगे और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। ठीक वैसे जैसे अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी कष्ट आया, परेशानी आई, उसके शरीर पर फोड़े हुए, वो बीमार पड़ा, उसका सब कुछ लूट गया, लेकिन उसका भरोसा इतना दृढ़ था, उसका विश्वास इतना दृढ़ था, और उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके जीवन में उसे कभी भी गिरने नहीं देगा, और परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से उसे सब चीजें दुगनी मात्रा में प्रदान किया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, अवश्य आएंगे, लेकिन प्रार्थना के कारण आप जीत जाएंगे, प्रार्थना के कारण आप विजय पाएंगे, रोजरी माला विनती के द्वारा आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, मध्यस्थता के द्वारा आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर में चलने लगेंगे, जब वचन में आप जीने लगेंगे, जब आप मध्यस्थता करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रिजल्ट आने शुरू होंगे, आपके जीवन में उन्नति आनी शुरू होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हुआ, यह मेरे जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे आया। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आत्मत्याग करना पड़ता है, अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमें आत्मत्याग करना पड़ता है, परमेश्वर की हजूरी में रहना होगा, मेहनत करना होगा, और जब आप परमेश्वर में
खड़े रहेंगे, जब आप परमेश्वर में चलेंगे, जब आप परमेश्वर में बोलने लगेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपका वचन, आपका वचन दुधारी तलवार के समान है, दुधारी तलवार के समान है, जो हृदय के अंतरतम में पहुँचकर, जो हृदय के अंतरतम में पहुँचकर हमारी अस्पष्ट आहों को, हमारी अस्पष्ट आहों को व्यक्त कर देता है, व्यक्त कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, उन्नति आ जाए, उन्नति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्यों प्रभु आपसे इन सारी बातों को बताना चाहता है? मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने कहा है कि मेरे बच्चों से कहो कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए जागते रहें, सतर्क रहें। मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने, प्रभु चाहता है कि आप उन बातों का पता लगाएं जो उसको बातें प्रिय हैं। मैंने आपसे कहा कि इन सारी चीजों को करने के लिए हमें ईश्वर के हथियार धारण करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में, एक बिलीवर के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, लोक धर्मियों के जीवन में यदि ये हथियार नहीं है तो वो खोखले हैं। इसलिए मौका आने पर आपके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं होगा, शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं होगा और आप लोग हार जाएंगे। प्रभु क्यों चाहता है कि आप इन सारी चीजों को करें? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाएं, वो नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो जाएं। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम उन्नति करो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम आराम की जिंदगी जियो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम सुखी रहो, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारी संतानें दुर्दिन न देखें, मैं इसलिए आया हूं कि तुम धार्मिकता के मार्ग पर चलो और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आए, मैं इसलिए आया हूं तुमको पाप की दास्ता से मुक्त करा दूं, मैं इसलिए आया हूं ताकि शैतान के वश से मैं तुमको आजाद करूं और उसके कामों को मैं कुचल डालूं। यीशु ने स्वयं इस बात को कहा कि परमेश्वर का पुत्र ईसा मसीह इस धरती के ऊपर इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को अंत करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए, आपने मेरे लिए अपना पवित्र रक्त बहाया है, अपना पवित्र रक्त बहाया, मेरी मुक्ति के लिए, मेरी मुक्ति, मेरे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए आपने, आपने अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वो इसलिए हमारे साथ इतनी बातें करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी खो जाए, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी बर्बाद हो जाए। जिस तरह एक माँ, जिस तरह एक पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चे बर्बाद हों, वैसे ही हमारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परम पावन पिता ईश्वर, वो नहीं चाहता कि उसके द्वारा बनाए गए, सृजित किए गए बच्चे बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं। क्योंकि ईश्वर के विषय में लोगों के मन में आधा अधूरा ज्ञान है, इसीलिए वो ईश्वर के प्रेम को नहीं समझे। इस बाइबल का आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए ईश्वर के चमत्कारों को नहीं समझें। अपने मन से, अपनी सोच से प्यारे भाइयों और बहनों, वो ईश्वर को जानने, पहचानने की और खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर ईश्वर को जानने की कोशिश करें और मनन चिंतन करने की कोशिश करें। यह बाइबल हमें बताएगी कि परमेश्वर कैसा है, यह बाइबल हमें बताएगी कि परमेश्वर कैसा दिखता है, यह बाइबल हमें बताएगी कि उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए क्या किया, यह बाइबल आपको बताएगी कि वो आपके विषय में क्या सोचता है, यह बाइबल आपको बताएगी कि अंत के जीवन में वो आपके साथ क्या करेगा, यह बाइबल आपको बताएगी कि आपको वो महिमा में किस तरह से स्थान देगा, यह बाइबल आपको बताएगी कि उसमें कैसे चलना है, यह बाइबल आपको बताएगी उसमें कैसे रहना है, यह बाइबल आपको बताएगी
बताएगी कि आपके परिवार की उन्नति कैसे हो सकती है। यह बाइबल आपको बताएगी कि आपका परिवार मुक्ति कैसे पाएगा। यह बाइबल आपको बताएगी कि तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, अगर तू नहीं बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया नहीं जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहता है, अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयास करो और अनुग्रह के सिंहासन के पास चलो, ताकि हमें वहां से दया मिले। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 कि आओ हम बड़े विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जहां से हमें दया मिले और वो हमारी परिस्थितियों में, हमारे विषम परिस्थितियों में, सरकमस्टेंसेस में हमारी सहायता करेगी और हमें आशीष दिलाएगी। बोलिए आमेन। आमेन। इसलिए इस वचन में बढ़ना, इस वचन में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर में बढ़ना, इस वचन को जानने का मतलब है परमेश्वर को जानना, इस वचन को समझने का मतलब है परमेश्वर के रहस्यों को जानना, इस वचन को प्यारे भाइयों और बहनों अपने हृदय में संजोने का मतलब है इसे परमेश्वर को अपने हृदय में रखना, और ये आपको ऊंचा करेगा। अगर आप बाइबल ऊंची करेंगे तो बाइबल आपको ऊंचा करेगी, अगर आप प्रभु की आदर करेंगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हम इस संसार में रहते समय अनेक प्रकार के माया जाल में, माया मोह में फंसे रहते हैं और परमेश्वर की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको, आप करके देखिए, आप खुद अपनी जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों रोज चमत्कार देखेंगे। एवरी डे यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आप आराधना में, प्रार्थना में भाग लेना शुरू करिए, रोजरी माला आप बोलनी शुरू करिए, शाम के वक्त अपने परिवार के साथ कुछ समय बैठकर प्रभु के गीत भजन गाना शुरू करिए, वचन को पढ़ना शुरू करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप बदले हुए से लगेंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, उनके जीवन बदल जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोग आपसे कहेंगे कि आपको क्या हो गया, आजकल आप बड़े बदले बदले से लगते हैं, आपका जीवन कैसे बदल गया, तब आपको पता लगेगा कि ये आपके किसी पुण्य का काम नहीं परंतु ईश्वर की महती दया आपके ऊपर बरसी है, जिसके द्वारा लोगों ने आप में बदलाव देखना शुरू कर दिया है। ये ईश्वर की दया है, ये ईश्वर की कृपा है। हर वक्त हम ईश्वर की कृपा को चंगाइयों में अनुभव करना चाहते हैं, हर वक्त हम ईश्वर की दया को, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारा मकान आ जाए, हमें नौकरी मिल जाए, इस तरीके की आशीष की बात करते हैं। ये स्वार्थ की बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में कि तू धार्मिकता की खोज कर, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चले, मतलब कि परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा, मन लगा, और उसकी महिमा तेरे पीछे पीछे आएगी। तू परमेश्वर की बातों की खोज कर और वो सब चीजें तुझे प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मसीहत ये ईश्वर के साथ एक रिश्ता है। क्रिश्चियनिटी और ए क्रिश्चियन जो प्रभु के साथ रहकर काम करता है, प्रार्थना करता है, इबादत करता है, आराधना करता है, उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करता है। तो ईश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करना, मसीह को उस प्रेम का अनुभव, हर एक व्यक्ति को मसीह के प्रेम का अनुभव करने की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा के कामों को नजरअंदाज नहीं करना, उसको बहुत लाइट नहीं लेना। पवित्र आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो एक व्यक्ति को जिस तरह से दुख होता है, उसे हमारी गलतियों से, परेशानियों से, हमारे अनेक प्रकार के बुरे कामों से दुख होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि सारे पाप क्षमा हो जाएंगे लेकिन आत्मा के विरुद्ध किया गया पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए उस पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, बाइबल हमें बताती रोमियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ता है, किसी दूसरी चीज के द्वारा नहीं। आप यहां बैठे हैं, आप जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है कि आज आप लोग ये वचन सुने। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे होंगे या वचन सुन रहे होंगे,
ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम आपके जीवन में और हृदय में और परिवार में उमड़ पड़ा है। इसलिए प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-2 में कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, पुत्र मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। बोलिए आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, अगर आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई को जानना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो इस वचन को पढ़ना। ये आपको बताएगा कि परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे। उसने हमसे बातें की हैं, अपने दास के द्वारा उसने आपसे बातें की हैं। इस वक्त प्रभु हमको आशीष प्रदान करे, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके दुख में, कष्ट में, परेशानी में, चिंता में, सब समय आप प्रभु का धन्यवाद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सरकमस्टेंसेस कितने भी गंभीर क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसे गिरना होगा, उसे गिरना होगा, बशर्ते कि आप प्रभु में स्टैंड लेना, आप प्रभु को जानना, उसका नाम ऊंचा करना, विश्वास में दृढ़ रहना, आपकी आत्मा का उद्धार होगा। आमेन। तेरे ने झूठे लोगों को थामार गिराया, तेरे ने झूठे
जीवन में अभिषेक करे। हालेलुया 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 लेब्रो सोला बारन ताला खाते ठेल ताला वा बेबे ठेले बे ओरा महान लेबरे तेरे में शक्तन ताला मारे बेरे बे। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। प्रभु दया कीजिए लकवे से पीड़ित लोगों पर दया कीजिए कैंसर के पीड़ित बीमारी से लोगों को चंगा कीजिए जो अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं फेफड़ों के इन्फेक्शन से शरीर की बीमारियों से लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं दया कीजिए चंगा कीजिए आंतरिक शांति और चंगाई प्रदान कीजिए। तू दया का राजा दया करने वाला प्रभु है इन्हें सांत्वना और हिम्मत और विश्वास का वरदान प्रदान कर। हे आंतरिक चंगाई दाता तू आंतरिक शांति और चंगाई प्रदान कर। प्रियजनों अनेक लोग आंतरिक रूप से बीमार हैं आत्मिक रूप से बीमार हैं आध्यात्मिक अंधकार से पीड़ित हैं। दोनों हाथों को जोड़िए प्रभु के सामने समर्पित होना प्रभु से कहना आंतरिक चंगाई प्रभु मुझे प्रदान कर। प्रभु मुझे गुप्त बातों से मेरी गुप्त बीमारियों से मेरे गुप्त जो विचार हैं मेरी जो जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी बातें जिन्हें केवल तू जानता है प्रभु ऐसी बुराइयां जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती हैं उनसे मुझे आज़ाद कर आंतरिक चंगाई मुझे प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता I'm not afraid to die.
जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इन आंतरिक चोटों को सहन करती आई है। हमेशा दुख ही दुख उसके जीवन में रहा है और आपको प्रभु इस वक्त सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। आपको अपने परिवार में पति की ओर से, बच्चों की ओर से दुख ही दुख मिला है। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, वो आपके इन तमाम बुराइयों से, तमाम चीजों से, आंतरिक चोटों से आपको आजाद करते हैं। प्यारी बहन, प्रभु में आनंद बना, प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसने वो प्रेम हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राणों को निछावर करके किया है। कोई है जिसे शरीर में, स्किन में इन्फेक्शन है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करते हैं। कोई है जिसके कूल्हे में बहुत दर्द है, खड़ा होना मुश्किल है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जो अपने जीवन में, पुराने जीवन में जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उसके चलते क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप अपने उन तमाम लोगों को क्षमा करें जिनसे आपको दुख मिला है, कष्ट मिला है। अपने आप को इन तमाम बुराइयों से चिंतित ना करें, आप निराश ना हो। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, नवयुवक और युवतियां जो अपने जीवन में निराश हैं, असफलता ही असफलता जीवन में उनके हाथ लगी है, प्रभु आपसे वादा करता है कि आपको वो सफलता और उन्नति प्रदान करेगा, बशर्ते कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचनों को कान लगाकर सुने, ध्यान पूर्वक सुने। कोई है जिसके गले में समस्या है, प्रभु आपको इस वक्त गले की एलर्जी से, गांठों से आजाद करता है, यीशु आपको चंगाई प्रदान करे। कोई है जो इस वक्त घर में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपके आंसुओं को देख रहे हैं, प्रभु आपको हिम्मत और सांत्वना दें। बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से तंग हैं, प्रभु आपको विश्वास और ढारस दे रहे हैं कि वो उपयुक्त समय आने पर आपके जीवन में इन तमाम चीज़ों को मुहैया कराएंगे, आपको प्रदान करेंगे। इसलिए आप विश्वास रखें, ढारस रखें और प्रभु में एक होकर, एक मन लगाकर भक्ति के साथ उसकी आराधना करें। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, याद कीजिए, आपने अंधों को आंखें दी, आपने अंधों को, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को, गूंगों को वाणी दी, गूंगों को, लंगड़ों को पांव दिए, लंगड़ों को, अधांग रोगियों को चंगा किया, अधांग रोगियों को चंगा, मुर्दों को जिलाया, मुर्दों को जिलाया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे इन बेटे और बेटियों को, मेरे इन बेटे और बेटियों जो लाइलाज बीमारियों से, जो लाज बीमारियों से पीड़ित हैं, पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया कीजिए, उन पर दया कीजिए, इन्हें चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आ करके चंगा कर दीजिए। हाथों को उठाइए, सिरों को झुकाइए, प्रभु इस वक्त आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आप में से हर एक की प्रार्थना कबूल की गई है, जितनों ने विश्वास किया है आज उद्धार पाया है, जितनों ने वचनों को ग्रहण किया है, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। आज की रात्रि प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपको शांति प्रदान करे, आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करे, चौखट और बिछौनों को, आपके शयन कक्ष को प्रभु ब्लेस करे। आज की रात्रि स्वर्गदूत आपके ऊपर पहरा दें,
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो। हे प्रभु, इस रात्रि वंदना के समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने वचन के द्वारा हमें सुरक्षित रखा, हमें समझाया। प्रभु यीशु, हम तेरी हजूरी में रहकर तेरे प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ते जाए। तेरा आत्मा हमारे घरों को उन्नति प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वक्त तेरी वेदी के सामने घुटना टेके हुए हैं, अपने घरों में ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इन पर दया कर और इनके घरों की वेदियों को, इनके घरों को आशीष प्रदान कर। इनके घर की वेदी पर रखा गया तेल और जल प्रभु तेरा लहू बन जाए। जहां कोई भी इसका इस्तेमाल करे, जहां कहीं छिड़का जाए, उनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हे प्रभु, इन्हें आशीष प्रदान कर। तेरा वादा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आता अंधकार में नहीं भटकेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, वही जीवन की ज्योति तेरे इन बच्चों को प्रदान कर। इनके खेत खलिहानों, इनके माल डंगर, खेती बाड़ी के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। आज की रात्रि शैतानी बंधन प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा जले और जल के राख हो जाए। तू अपने इन भक्तों को आशीष प्रदान कर और इन्हें संरक्षण देने की कृपा कर। तेरे वचन इनके जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल लाए। जो बीमार हैं उन पर दया कर, जो बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियों को आराम दे। हे प्रभु यीशु, जो विश्वास में अधूरे हैं, कमजोर हैं, उनका विश्वास दृढ़ बनने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, जो मन से उदास हैं, टूटे हुए हैं, जो आंतरिक चोटें खाए हुए हैं, इन्हें ढारस प्रदान कर और इन्हें हिम्मत और सांत्वना देने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमेन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा हम जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार जोरदार जोरदार। मैं दीवानी यीशु ते करदी, मैं दीवानी यीशु ते करदी, मैं दीवानी सूत
कर दी। यीशु मसीह है खुदाया मेरा, यीशु मसीह है खुदाया मेरा, मैं दीवानी यीशु की कर दी, मैं दीवानी यीशु की कर दी। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन और चंगाई प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु की आशीष में आप बने रहें। जितने लोग आज पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन वचनों को नित्य प्रतिदिन सुने और अपने घरों में जीवन में चंगाई और आशीष को अनुभव करें। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे कि उनके जीवन में भी प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।